सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर में सर्वसम्मति से रिटर्निंग ऑफिसर तरजीत छिकारा की देखरेख में सुरेश भारद्वाज को प्रधान, विकास खत्री को उप प्रधान, राजकरण शर्मा को महासचिव, संजीव बत्रा को कोषाध्यक्ष, मेहर चंद मानिक को सह सचिव चुना गया। प्रधान सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1966 में एक टेंट में हुई थी। ये मंदिर पहले से ही सिद्ध मंदिर कहलाता रहा है, जहां भगवान लक्ष्मीनारायण जी की मूर्ति एक छोटे से खोखे के अंदर रखकर पूजा अर्चना हुआ करती थी, जिसके बाद यह मंदिर भव्य रूप में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1991 में मेहंदीपुर बालाजी से अखंड ज्योत पैदल चलकर मंदिर में स्थापित की गई, जो कि आज तक उसी तरह से प्रज्वलित है। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। सिद्धपीठ श्री लक्ष्मीनारायण बालाजी मंदिर रजिस्टर संस्था है, पुरानी महावीर कॉलोनी, सिद्ध मंदिर है। ये 1991 से यहाँ पर बालाजी महाराज की अखंड ज्योत मेहंदीपुर से लाई गई है। लोगों का अटूट विश्वास है, रजिस्टर्ड बॉडी है। हर 3 साल के बाद यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, तो पिछले 3 साल से हमारे सहयोगी भाई मुकेश भोला जी यहाँ प्रधान थे। उससे पहले लगातार 8 साल में प्रधान रहा, 12 साल महासचिव रहा। अब पूर्ण बालाजी महाराज ने मुझे सेवा का मौका दिया है। हम सब मिलकर, हम हमारी समस्त कार्यकारिणी बालाजी महाराज मंदिर में निर्माण कार्य में जो भी हमसे मेहनत बनेगी, हम पूर्ण रूप से तन मन धन से अपना सहयोग करेंगे और लोगों में ये विश्वास दिलाएंगे कि बालाजी मंदिर में आकर उनका मान सम्मान बढ़ेगा। और बालाजी महाराज से हम सब प्रार्थना करेंगे मिलकर, वह जो भी भक्तजनों पर कष्ट हो उनको दूर करें और बालाजी महाराज उन पर कृपा बनाए रखें। बोल बालाजी महाराज की जय। हमारा चुनाव हुआ है, उसमें अध्यक्ष प्रधान मुझे चुना गया है, राजकरण जी महासचिव हैं, संजीव बत्रा जी कोषाध्यक्ष हैं, सह सचिव मेहर चंद मानिक जी हैं, उप प्रधान भाई विकास खत्री जी हैं, राजेश भारद्वाज जी सदस्य हैं, मुकेश भोला जी सदस्य हैं, आनंद लागड़ा जी सदस्य हैं और हरगोविंद गंभीर जी सदस्य हैं, और भी हमारे सदस्य हैं। तो सब मिलकर हम ये प्रयास करेंगे कि बालाजी मंदिर में निर्माण कार्य चलता रहे। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो जो बालाजी द्वार हमारा पहले किसी कारणों से रुक गया था, वो भी राजनीति, उससे अब हम प्रयास करेंगे कि वो बालाजी द्वार का निर्माण कार्य जल्दी से